तो काशी से डिब्रूगढ़ के लिए आज रवाना होने वाला है क्रूज और उसको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में इस कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज सबसे थोड़ी देर में अपने सफर पर निकल जाएगा। 51 दिनों में काशी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। किन खासियत और सुविधाओं से ये क्रूज लैस है, देखिए हमारे सहयोगी कोनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट में। पानी पर चलता फिरता 5-स्टार होटल एमवी गंगा विलास आज से अपनी यात्रा पर निकल रहा है। कुछ देर में इसकी रवानगी बनारस के रविदास घाट से होगी, लेकिन उससे पहले इसकी खासियत और इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये 3 डेक का बना हुआ है जिसमें 18 लग्जूरियस। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं जो कि आपको 50 दिन की यात्रा के लिए बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा सामने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कमरों की तस्वीरें हैं जो कि इसमें स्वीट्स बनाए गए हैं, जिसमें 18 कमरे बनाए गए हैं। 18 कमरों में 36 यात्री आराम से रह सकते हैं, 36 यात्री एक बार में इसमें यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा 40 क्रू मेंबर्स इसमें होंगे। आपको ऊपर डेक पर जो सबसे ऊपर वाला डेक है उसमें इस वक्त आपको वो स्विस पैसेंजर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि 50 दिन की यात्रा में यहां से आज इस क्रूज के जरिए रवाना होंगे। ये कुल यात्रा जो है वो 50 दिन की होगी। 3200 किलोमीटर का सफर इसमें तय किया जाएगा। इसकी शुरुआत बनारस से हो रही है और उसके बाद ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करेगा। बांग्लादेश से ये असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा जहां पर इस यात्रा की समाप्ति होगी। वहीं इसमें जिम भी बनाया गया है। इसके अलावा स्पा सेंटर, लाइब्रेरी और जिस टॉप डेक पर आपको ये तमाम जो पर्यटक है वो दिखाई दे रहे हैं, ये इस जगह पर सन बाथ के लिए रूफटॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ अंदर एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट बनाया गया है, 40 पीपल के सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें। साथ ही साथ लॉन्च बनाया गया है और क्योंकि 51 दिन की यात्रा है इसमें बोरियत ना हो तमाम यात्रियों को, इसके लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट की सुविधा भी अंदर उपलब्ध करवाई गई है। और अपनी यात्रा के दौरान ये 50 जगहों पर रुकेगा जिसमें लोगों को असम, बंगाल, इसके अलावा बिहार, बांग्लादेश, इन तमाम जगहों की वो खूबसूरत जगह दिखाई जाएंगी, वो विरासत स्थल दिखाए जाएंगे, वो फेमस प्लेसेस दिखाए जाएंगे जिसके जरिए इनकी यात्रा का अनुभव और खास बन जाएगा। दरअसल इसमें जो भी यात्री अब ट्रैवल करने वाले हैं, 32 यात्रियों का एक जत्था स्विट्जरलैंड से आया है जो कि इस क्रूज के जरिए अपनी पहली यात्रा यहां से शुरू करेगा। फिलहाल इस क्रूज के अंदर सभी पैसेंजर्स पहुंच चुके हैं, उनकी यात्रा अब से यहां से शुरू होगी और उसके बाद ये यात्रा असम के डिब्रूगढ़ तक खत्म होगी। दरअसल इसका अगर किराए की बात की जाए तो एक दिन का लगभग 25,000 रुपया किराया है और कुल खर्चा जो पूरे 50 दिन का है वो लगभग 12.5 लाख रुपए है। 12.5 लाख में ये पूरी 50 दिन की यात्रा बनारस से असम के डिब्रूगढ़ तक होगी जो कि बांग्लादेश से होते हुए पूरी यात्रा कंप्लीट होगी। तो पूरे अरेंजमेंट यहां पर हो चुके हैं, इस क्रूज को भी पूरी तरह सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन ये सबसे खास बात इसकी ये है कि ये क्रूज भारत में बना हुआ है और सबसे विश्व की सबसे लंबी यात्रा पर निकलेगा, क्योंकि अब तक जितने भी रिवर क्रूज हैं किसी ने भी 3200 किलोमीटर की यात्रा तय नहीं की है, लेकिन ये क्रूज PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए एक इतिहास बनाएगा जब ये आज बनारस से निकलेगा और उसके बाद 50 दिन बाद असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गंगा विलास जो क्रूज है उसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उससे पहले के कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टेंट सिटी का भी आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी अपने आप में बहुत खास है, एक टेंट सिटी जो कि गंगा के किनारे मौजूद रहेगी। और टेंट सिटी में क्या खासियत है, हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा वहीं पर मौजूद है, आइए उनकी एक और रिपोर्ट देखते हैं। जाएगी यानी कि जो लोग भारत से भी ट्रैवल करना चाहते हैं बांग्लादेश या फिर भारत के अंदर ही कोलकाता या असम तक जाना चाहते हैं वो भी इस क्रूज की बुकिंग अब जल्द ही कर पाएंगे। कैमरा पर्सन शिशिर मंडल के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया TV, गंगा विलास क्रूज। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।